the kind of confidence IPS gives you. I can do it, और challenge ये स्वीकार करना चाहिए. I have that satisfaction कि I've served it well. मेरे सामने एक बहुत ही tough choice था. Well, बहुत ही difficult choice थी, वरना तो मैं शुरू से IAS ही चाहती थी. और जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2010 में, तब मुझे जब पता चला कि IPS मिलेगा, तो मैं थोड़ा वरिड थी, क्योंकि मैं एक कंप्लीट बुकवर्म थी. बट वंस आई गॉट इनटू द एकेडमी, और फिर जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, और जब हमने वर्दी पहननी शुरू की, एंड व्हेन आई केम टू द फील्ड, आई रियलाइज्ड कि IPS में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस IPS गिव्स यू, I think it is unparalleled and unmatched. By the time my selection for IAS came, मेरे सामने एक बहुत ही tough choice था. मेरे सामने एक तरफ मेरी वर्दी टंगी हुई थी, और एक तरफ मेरा appointment letter था IAS के लिए, और मैं दोनों को continuously देख रही थी, and I was thinking what to choose. But I मेरा जो झुकाव था वो वर्दी की तरफ ही गया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक चेंज ला सकती हूँ एज एन IPS ऑफिसर. और जो जॉब था उसका प्रोफाइल मुझे काफी हालांकि चैलेंजिंग है, बट मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू इट, और चैलेंज ये स्वीकार करना चाहिए. तो जो महिलाएं हैं, हम उनको उनके रूल्स, जो एक्ट्स हैं, जो महिलाओं के विषय में कायदे हैं, उसके बारे में भी जानकारी देते थे, और अगर कि उनकी कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं का भी वहां ही वही निदान करते थे. FIR भी वही रजिस्टर की जाती थी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी वही रजिस्टर किए जाते थे, और अगर कहीं प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत होती थी तो वो भी हम करते थे. पुलिस दीदी जो है वो अपने मोबाइल नंबर्स जो है उनको प्रोवाइड करती है, ताकि डिस्ट्रेस में वो डायरेक्ट उनको कॉल कर सके. तो इस तरीके से हम विश्वास संपादन कर रहे हैं जो महिलाएं और बच्चियां हैं उनका. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि महिलाएं उत्पीड़न के बाद भी पुलिस को अप्रोच नहीं कर सकती, वी आर होपफुल कि ये सिचुएशन जरूर बदले. तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, अगर आपको सपोर्टिंग कलीग्स मिलते हैं, सपोर्टिंग सीनियर्स मिलते हैं, तो ये जॉब कई हद तक जो है आपको ईजी हो जाता है. और अगर आपको जो आपके परिवार के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो भी ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना ईजी होता है. जैसे इस साल के इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो थीम था वो था ब्रेक द बायस. तो आई एम क्वाइट श्योर कि जो बायस है वो टूटने की कगार पर है, और अगर हम कंटिन्यूअसली इसको स्ट्राइक करते रहेंगे अपने एजुकेशन से, अपने मोटिवेशन से, अपने पैशन से, तो ये बायस जो है वो जल्दी ही टूट जाएगा. सबॉर्डिनेट्स एंड सीनियर्स, जिनकी वजह से मुझे कभी ये बैलेंस करते हुए इश्यूज नहीं आए, एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली कि आज मैं सक्सेसफुली अपना जो टेन्योर है नागपुर में, आई एम सर्विंग एज DCP नागपुर सिटी जोन 2 फ्रॉम लास्ट 2 years, विद आई थिंक आई हैव दैट सेटिस्फेक्शन कि आई हैव सर्व्ड इट वेल. देखिए, मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरी मदर है. शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी. जिस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया है, इनफैक्ट आई हैव 3 sisters, और उनको भी जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, उनको सक्षम बनाया है, उनको बताया गया है कि वो किसी से कम नहीं है. सोशल मीडिया का आप जब भी प्रयोग करें, या जब भी आप सोशल मीडिया पर रहें, तो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई और माध्यम हो, उस पर बहुत ही कॉशियस रहें. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल. थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव.